हम कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए भाई, आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो बोथ शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आज की क्लास में काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो पहले आप बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? मस्त एकदम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी सभी लोग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त एकदम। बोलिए गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए क्या आप सभी लोग अच्छे हैं? वेरी गुड। होना भी चाहिए। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में एक्सपीरियंस करवाएगी, तो उसके लिए मेहनत करते रहिए। ठीक है बेटा? एक सेकेंड, यस एक सेकेंड बस। तो आपकी कैसी रही पहली साइक्लिक की क्लास? सभी को समझ में आया अच्छे से? बोलिए भाई, समझ में आया सभी को? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिए। जो भी पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लास में समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यस, बहुत मजा आएगा उस टॉपिक में। ठीक है, बहुत बढ़िया नॉलेज है हमको। अगर आप साथ में सारी चीजें पढ़ते रहेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, बस आप लोग जो डाउट है वो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है? चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आप लोग जानते हैं भाई, प्लस और आइकॉनिक कोर्स में आप में किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। और जो सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो जानते हैं नवंबर में उनका एग्जाम है, तो वो थोड़ी जल्दबाजी दिखाएं। जल्दबाजी इन द सेंस कि अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप कोई भी 3 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ लीजिए वहां पे। लेकिन अगर आप एमएससी में पढ़ रहे हैं तो आप 1 ईयर या 2 ईयर प्रोग्राम ही लीजिए, तभी एग्जाम के साथ साथ केमिस्ट्री भी आ पाएगी। अदरवाइज एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको केमिस्ट्री भी नहीं आती होगी। एग्जाम क्लियर करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। इट इज लाइक नॉलेज एंड टीचिंग भी दो अलग चीजें होती हैं। जिसको नॉलेज है वो जरूरी नहीं वो बहुत इंप्रेसिव क्लास बना सके। तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। आप भी जानते हैं, किसी को बहुत नॉलेज है वो आपको बताए चले जाए, बताए चले जाए, सीक्वेंस ना बनाए, बता सब सही रहे होंगे लेकिन आपको लगेगा नहीं मजा नहीं आ रहा, राइट? तो सेम थिंग, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जॉब कहीं नहीं लगेगी, जो करना चाहते हैं कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए भाई। सभी लोग प्लस कोर्स में जो क्लास चल रही है उसमें प्रेजेंट रहिए। आप लोगों को 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन कोड का ध्यान रखिए भाई, APR 10 ही कोड यूज करना है। दैट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। ठीक है, और 3 मंथ सब्सक्रिप्शन वाले का जो फी है वो बढ़ने वाला है। एनीवेज, हम काम की बातों पे आते हैं इससे आगे। भाई आज भी 9:30 पे क्लास है, ग्रुप थियरी बिल्कुल एंड में है, तो आप लोग टाइम पर प्रेजेंट रहना भाई, बिल्कुल भी मिस करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी क्लास को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग कवर कराऊंगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अरे ये नोट दिस, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाना है आप लोगों को। चलिए भाई, तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप कभी भी इसको रिवाइज कर लेते हैं सीधा, यहीं से यहाँ वाली बात को ध्यान देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री पता हो, मोड ऑफ एडिशन का आइडिया हो, तो आप प्रोडक्ट ऑफ की स्टीरियो केमिस्ट्री को ऑपरेट कर सकते हैं। कैट मैंने आपको करके दिखाया था, मैंने कहा था इनमें से कोई और ट्राई कर लेना, ट्रांस पे एंटी एडिशन करके देख लेना क्या बनता है क्या नहीं बनेगा। उस केस में आप सेटिस्फाई खुद को कर सकते हैं कि यस सर यही आंसर आना था। यस, पेरिसाइक्लिक की फर्स्ट क्लास थी। आप सभी लोगों को टाइम टेबल मिलता है, आप फिर भी ऐसे पूछते हैं ऐसे पता नहीं है। टेलीग्राम पे मैंने आपको बता रखा है, मेरा नाम सर्च करोगे तो भी एक चैनल आ जाएगा, वहां मैं जो कल का शेड्यूल है वो शेयर करता हूँ। कैसे समझाऊं, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आई होप लास्ट क्लासेस में जो भी पढ़ाया है उसमें किसी को भी आपको दिक्कत ना हो। भाई आज की क्लास आप लोगों ने अगर पेरिसाइक्लिक वाली भी अटेंड की थी तो आप जानते हैं
एनबीएस की बात चल रही थी, तो एनबीएस आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि सॉल्वेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अगर नॉन पोलर है तो ब्रोमाइड रेडिकल जनरेट करेगा वो, लेकिन अगर पोलर है तो बीआर प्लस नहीं कहना चाहता था मैं, कहता था सोर्स ऑफ ब्रोमोनियम आयन है वो, ब्रोमोनियम, ब्रोमोनियम आयन का सोर्स है। तो आप चीजें को कनेक्ट करिए, बहुत मजा आने वाला है। ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिए थे। आज की क्लास में हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ H2O सॉल्वेंट है, तो आप जानते हैं एक तरफ अगर ब्रोमोनियम आयन बना तो H2O अटैक करेगा, तो एक तरफ Br एक तरफ OH, राइट। लेकिन मैंने इसको कहा था वी विल डिस्कस दिस पार्ट लेटर कि एलाइलिक पोजिशन पे Br नेगेटिव, Br कब लगता है, ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैकेनिज्म डिफरेंट है। हम कार्बोकेटायन पढ़ रहे हैं, हालांकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आता है जब ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये प्योर कार्बोकेटायन नहीं है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कहे जाते हैं, ठीक है। तो एनीवेज इन सब पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जल्दी बता दीजिए लास्ट क्लास तक जो बातें बताई थी, क्लियर है सभी को? बोलो जल्दी, शो मी सम एनर्जी। आज पढ़ाऊंगा बहुत मस्त नई नई चीजें, धीरे धीरे हमें स्पीड अप करना होगा। जैसे जैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, फिर स्पीड अप अपने आप हो जाएंगी चीजें। ओके गाइस, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोग क्या सीख कर आए हैं। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से कंपाउंड बनाऊं, बेंजीन रिंग, दिस दिस दिस, अनदर बेंजीन रिंग, और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अगर आप NBS और H2O को ऐड करते हैं। तो आपको एल्कीन नजर आई, आप उसी एल्कीन पे एनबीएस को ऐड करना जिससे एरोमेटिसिटी ब्रेक ना हो, ठीक है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी देखना होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा? अगर मैं आपको डायरेक्ट ये लिख के दे दूं, क्या आप समझ पाएंगे कि सर हाँ यही बनेगा? लेट सपोज आने वाली क्लासेस में यही होगा, मैं स्टेप जंप करूंगा कि मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। हम ऐसे बना सकते हैं कि बी आर अगर इस तरीके से है और ओ एच बिलो द प्लेन होगा, क्या मैंने बिल्कुल सही बनाया है? क्या ये एक प्रोडक्ट बनेगा इसका? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रीवियस क्लासेस भी अटेंड की है, एनबीएस एच टू एड करेंगे, क्या मैं कह सकता हूं ये एक प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बताइए बेटा, यही बनेगा? बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए। एनबीएस पोलर सॉल्वेंट दिखते ही आपको समझ जाना है कि ये ब्रोमोनियम आयन को जोड़ देगा। वो अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता था। तो मैंने पूछा था क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी हो सकता था, ये बिलो द प्लेन हो, ये अबव द प्लेन हो, तो भी एक ही बात रहती, क्लियर है। तो मैं एनबीएस के बारे में, हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि मैं एनबीएस को इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि लेकिन आज की पहली साइकिल क्लास में भी वो यूज हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूँ बेटा कि एनबीएस में एक्चुअल होता क्या है। एनबीएस के बारे में एक दो पॉइंट आप सभी लोग लिखिए, लिखिए एनबीएस जो है इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहली बात क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम थियोरिटिकल पार्ट ज्यादा लिखवाते नहीं आप लोगों को, और पेपर में कभी कभी लिखे आ जाते हैं साथ में वो चीजें। तो जब एनबीएस लेते हैं हम, साथ में एचबीआर भी लेते हैं थोड़ा सा, बट वो हम उसको कंसीडर करते ही नहीं आप लोगों को, लेकिन एचबीआर की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये है आपका एनबीआर, ध्यान से पॉइंट समझिएगा, इन रिएजेंट्स को धीरे धीरे समझ जाएंगे तो सारी स्टोरी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। दिस वॉज योर एनबीआर, राइट, यही था मैंने कहा आपको। थोड़ा सा मैं सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी, इस पॉइंट को अभी आप समझने पर ध्यान दीजिए। अगर एच बी आर लेते हैं तो एच बी आर में एच प्लस भी है और बी आर नेगेटिव भी है। तो ये वाली बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो एच प्लस पर अटैक नहीं करेंगे। याद कीजिए एसिड और बेसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां मैंने दो रीजन दिए थे। तो जो अटैक होगा वो इस ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन पे अटैक होते ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। आपको एक एक स्टेप समझते हुए चलना है, बस मेरी क्लास में एक ही काम करना है आपको, सिर्फ समझना है, दैट्स इट। अब ये ऐसा बन जाएगा कुछ एन बी आर, इस ओ इस पे आ गया एच,
एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इसको यहां से खींचेगा लाइक दिस, ठीक है। और ये जो बी आर नेगेटिव है इसको मैं अगले स्टेप पे लिख देता हूँ। बी एच प्लस में से बी आर नेगेटिव बचा था ना, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, नाइट्रोजन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिससे कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो नाइट्रोजन ब्रोमीन से खींचेगा, ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये इस पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है? लॉजिकल चीजें हैं, इसलिए कहीं बुक्स आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली इसको ऐसे भी दिखा देंगे एरो को कि वो ये वाले इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। पॉइंट वही है, नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा तो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो साइड वाले से खींचेगा, देन ब्रोमाइड अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो ब्रोमाइड अटैक करते ही आप लोगों को एक तो मिलेगा ये दिस डबल बॉन्ड, ये OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड यहां O है, यहां O है, लाइक दिस, क्लियर है। और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, आपको इंटरेस्टिंग बात जो समझनी है, प्लस Br2। तो एक तरीके से ब्रोमीन ऐड करने वाली बात हो गई। तो जब हम NBS को ऐड करते हैं तो स्लाइट अमाउंट ऑफ HBr हम लेके चलते हैं उसमें, जो आपको कभी बुक्स में एरो के ऊपर लिखा हुआ दिखता नहीं है, वो एक्चुअली रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है। और NBS से क्या हो रहा है, ब्रोमीन प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन वहां जाके जुड़ेगी तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा। अब ये बात समझनी है कि ये जो Br2 प्रोड्यूस होता है जब आप NBS यूज करते हैं, आपको ये वाली बात समझनी है, जो Br2 होता है जैसे जुड़ेगा तो एक Br+ तो जाके जुड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, Br नेगेटिव। मान लीजिए ये एल्कीन है किसी कंपाउंड की, उस पर Br आके जुड़ गया, Br पॉजिटिव आके जुड़ रहा है, तो Br नेगेटिव भी होगा जो पीछे से अटैक कर सकता है। तो NBS के केस में क्या होता है, जो ये Br2 प्रोड्यूस होता है वो काफी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में क्या होती है, काफी कम होती है। अगर इसकी सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करने की एबिलिटी जो है उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप फिलहाल सिर्फ ये लिख सकते हैं विद NBS, लिखो इस पॉइंट को विद अब जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं सभी को लिखने हैं, विद NBS कंटेंट ऑफ Br नेगेटिव इज ऑलवेज लो। सीधा ब्रोमीन लेते तो Br2 बहुत सारे होते, बहुत सारे ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस होते उस केस में। तो पहला पॉइंट तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे मुझे यहां नहीं पढ़ाना था NBS को, NBS मेरा फिलहाल का पर्पस नहीं था, पर एनीवेज अब NBS के बारे में बात आ गई तो दो चार बातें मैं आप लोगों को यहां बता भी देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। NBS को हम कब यूज करते हैं, NBS मोस्ट ऑफ द टाइम हम तब यूज करते हैं जब हम ये नहीं चाहते कि बैक साइड से ब्रोमाइड आयन अटैक करें, ठीक है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको लिखेंगे आप सभी लोग, देखो NBS इज परफेक्ट व्हेन ब्रोमोनियम आयन, जब हम ये नहीं चाहते ब्रोमोनियम आयन इज नॉट इंटेंटेड, इंटेंटेड मतलब है हमारी इंटेंशन नहीं होती है, इंटेंशन का मतलब भी नहीं पता तो क्या बताऊं तुम्हें, मतलब कि हमारी इच्छा नहीं है, इंटेंटेड टू बी ओपन्ड बाय Br। जब हम ये नहीं चाहते कि जो डबल बॉन्ड पे ब्रोमोनियम आयन बना है पीछे से ब्रोमाइड ही अटैक करे, तो उस केस में हम NBS लेके चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि NBS के साथ ब्रोमाइड आयन जो है उसका जो कंटेंट होता है वो काफी कम प्रोड्यूस होता है, दैट इज वाई इस केस में दूसरा जो दूसरा कोई भी सॉल्वेंट होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कर जाता है और हमें ऐसा ही प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको प्रूव करता हूं विद एन एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये है, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आया और ये सारी बातें क्लेडन में है, क्लेडन में चैप्टर नंबर 20, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं, बट आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ रेफरेंस देके चलता हूं कि हर एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं वो बुक्स से हैं, या तो उनके सोल्व हैं या अनसोल्व होते हैं, वही डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैं आपसे कह रहा हूं मैंने ऐड किया NBS राइट और OH सी ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपसे पूछ लिया जाएगा
बताओ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां आपको ये बात समझनी है सर, आप में से काफी बच्चे ये कहेंगे सर एनबीएस के साथ तो सॉल्वेंट लिख ही नहीं रखा, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, बोलो भाई, एनबीएस ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट थोड़ा, ये है तो गिवन तो है, हालांकि ये सॉल्वेंट नहीं, याद रखना सॉल्वेंट की तरह नहीं गिवन है, बहुत हाई अमाउंट में नहीं है फिर भी, बट फिर भी आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि सर ये जोड़ेगा ऐसा बना देगा बी आर पॉजिटिव, राइट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एनबीएस के साथ ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम रहती है, तो जो हमारा एल्कोहल है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरफ, क्योंकि सिमेट्रिकल है, किधर से भी अटैक कर सकते हैं। सिमेट्रिकल नहीं होते तो रिंग ओपनिंग उस साइड से होती है जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आ रहा होता है, ये सारी बातें हमें पता है। तो मान लीजिए ये बीआर जो है अबव द प्लेन है, राइट, तो ये जो अटैक हुआ है कहां से होगा, बिलो द प्लेन से होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, एक सिक्स मेंबर रिंग, वन सिक्स मेंबर रिंग, एक पे बी आर किसी पे भी लगा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आप जानते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और बिलो द प्लेन ओ एच सी, पेपर में ऐसा आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इस पे जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे बेटा, और एच भाग जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता के दिखा रहा हूँ ये। तो पेपर में इन स्टेप्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो आप लोगों को समझ में आई बात, बोलो भाई। तो एनबीएस के बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि अगर आप एनबीएस को यूज करते हैं तो आपको एचबीआर साथ में कभी गिवन नहीं होता है, बट अगर हम एचबीआर को लेके ही चलते हैं तो घूम फिर के हो बीआर2 प्रोड्यूस रहा है जो कि एल्किन पे अटैक कर जाएगा, लेकिन ब्रोमाइड आयन अटैक नहीं करेंगे। तो एनबीएस को जनरली हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी और को बैक साइड से अटैक कराना हो, बात समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात समझनी थी, इसके अलावा और कोई नया पॉइंट नहीं था। क्या सभी को समझ में आ गया, बोलो भाई, क्लियर है सभी को, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को लिखो, देखो एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, तो किसी भी रिएजेंट्स के जितने डिटेल में जाएंगे उतनी सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे। तो मैंने एनबीएस के बारे में थोड़ा और बता दिया, अब बात है नॉलेज बढ़ाने की बेटा, रैंक वन तभी आएगी, रेगुलर रहो सभी लोग, हर एग्जाम्पल हर क्लास को सुनते रहो, पेपर में इससे बाहर आ ही नहीं सकता। और सोचिए मैं आपको, मैं तो एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल एक एक बात जो लिख रहा हूँ, या तो ये क्लेडन बुक के अनसोल्व क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, या फिर ये सोल्व एग्जाम्पल्स में से हैं, और जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक से दे रहा हूँ, तो पेपर में यहीं से आएगा, ये नहीं मैंने अपने घर पे बैठ के एग्जाम्पल बना दिया किसी का, कहीं भी अटैक बना दिया, नहीं, आपको समझना है ठीक है, क्योंकि रैंक वन का वादा है तो लेके आनी पड़ेगी। देखो सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे कुछ भी हो, मैं एक सिंपल सा केस तुम लोगों को दूंगा और फिर तुम मुझे बताएंगे कि क्या होगा। मान लो मैं फिलहाल तो सिमेट्रिकल एल्कीन ले लूं, इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में आपको मेन ग्रुप में थोड़ा बहुत आइडिया था भी, मैं कह रहा हूं आईसीएल इज द इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो आप ये तो पहचान ही लेंगे बेटा इनमें से किस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, किस पर डेल नेगेटिव है, राइट, बस कुछ नहीं करना होता है। बिल्कुल आप एमओटी अप्रोच आजकल धीरे धीरे समझेंगे, आपने पेरिसाइक्लिक भी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप समझ रहे हैं कि एमओटी की महत्व क्या है, आपको एमओटी वहां सारी बात समझ में आ रही थी, होमो ल्यूमो वगैरह सब समझ में आ रहा था, बोलो बेटा जल्दी बताओ, एमओटी अप्रोच समझ में कभी अटकेगी नहीं तुम्हारी, एमओटी अप्रोच याद रखना, और उसका एक रीजन है कि तुम अब एमओटी अप्रोच को बहुत मस्त समझ सकते हो, क्योंकि जिसने तुम्हें पढ़ाया है ना कोई छोटी चीज नहीं, समझ रहे हो, तो हमारी एमओटी स्ट्रोंग है, होमो एटॉमिक, हेट्रोडायटॉमिक, पॉली एटॉमिक के इतना बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास, तो अब उन चीजों को कनेक्ट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता हमारे लिए, अब हम सारी अप्रोच को समझ सकते हैं ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ क्या होने वाला है, आप भी जानते हैं सर ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार में डोनेट करेंगे, राइट, अच्छी सी सिंपल सी बात है, होने तो डोनेट डोनेट, आयडोनियम आयन टाइप कुछ बनता हुआ आपको नजर आएगा, बना दो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आई पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो
जो सी एल नेगेटिव है वो क्या कर देगा, वो दूसरी साइड से अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिकल था राइट। अगर सिमेट्रिकल है तो किधर से भी अटैक कर सकता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल हुआ तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अटैक कहाँ से होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मान लेते हैं आप लोग सही कर देंगे, आई सी एल समझ में आ गई बात, कर देंगे सही, बोलो यार ठीक है। एक बार इस पे ऐड करके दिखाना मुझे, मान लीजिए आपको पेपर में कुछ ऐसी अनसिमेट्रिकल एल्किन देती दिस, और इस पे इन्होंने कहा हम ऐड करेंगे बीआर, बीआर नहीं बी आर सी एल, बी आर सी एल ऐड करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे बताइए बी आर किस पे जोड़ेंगे और सी एल किस पे जोड़ेंगे, बोलो बेटा। बहुत आसान चीजें हैं, आपको कहा है साथ साथ प्रेजेंट रहिए, वेरी गुड। नंदीश का आंसर है जिधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वेरी गुड, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। तुम्हें ये बताना है कि किस तरफ बन रहा है कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, बुद्धू कहीं के कॉन्सेप्ट नहीं पूछा मैंने तुमसे। आप जानते हैं बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, फाइव स्टार इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, कर दो, करते थोड़ी किसी से, ये लो बना दिया हमने क्या ब्रोमोनियम आयन राइट, बी आर पॉजिटिव। अब सी एल नेगेटिव उधर से अटैक करेगा जिधर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया है क्लियरली कार्बोकैटायन नहीं बनेगा राइट, आप भी ये बात जानते हैं एग्जैक्टली। तो अब आप फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देंगे कि सर देखिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये रहा आपका सी एल और इस तरफ है आपका बी एल, क्लियर है, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सिमिलर एडिशन, एक और बताऊं आपको मैं, लिखो एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ जैसे एच ओ सी एल टाइप होता ना, एच ओ एक्स टाइप कंपाउंड, जब इनका एडिशन होगा तो क्या होता, तो आप जानते हैं इसमें भी दो पार्ट हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हेलोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, एच ओ एफ नहीं होगा कभी भी, डोंट वरी, एक्स जो है वो सी एल बी आर आई होगा, इसलिए ओ एच पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट ही पूछ रहा हूं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको, मैं बस डायरेक्ट पूछ रहा हूं भाई कि अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड है आपको पेपर में दे दिया, ज्यादा थोड़ा सा, वाह क्या मस्त एल्कीन है, चोंच सी लग रही किसी की, और आपको ऐड करने को दे दिया जाए एच ओ बी आर राइट, क्या होने वाला है, क्या आप अपने आप समझ सकते हैं, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पाई है अटैक करेंगे, ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा राइट, कैसे होगा इस तरीके से बी आर पॉजिटिव। अब क्या होगा, कौन अटैक करेगा बेटा, कौन अटैक करता हुआ नजर आएगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, सर जी देखो बात है ऐसी, यही अटैक करेगा और उधर अटैक करेगा जहां मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ हमें नजर आ रहा होगा सर, क्लियर है, बस आपको कुछ नहीं करना, तुम्हें सब कुछ आ गया। अब तो कितने सिमिलर रिएक्शंस को इसी तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इधर बी आर इधर ओ एच, क्लियर है, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से इनका एडिशन भी हम पढ़ सकते हैं, क्या आप सभी लोगों को बात क्लियर हो रही है, बोलो क्लियर है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन आप लोगों को बताता हूं, और उन रिएक्शन को बोलते हैं लैक्टोनाइजेशन। वैसे क्या है एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, दो चीजें आपको पढ़नी है मेनली, एक होती है आयोडो लैक्टोनाइजेशन, आयोडो लैक्टोनाइजेशन, और दूसरी है ब्रोमो, मोर कॉमन आयोडो लैक्टोनाइजेशन है, इनके बारे में और डिटेल समझ में आएगी, जैसे मैंने आपको बताया जब हम इनका मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं, इन सब चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं आज, हम थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, आफ्टर सम टाइम जब हम इनके मैकेनिज्म को भी पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ब्रोमो लैक्टोनाइजेशन, क्या बातें पता होनी चाहिए पहले ही, देखो बेटा सबसे पहली चीज
ये इंट्रा मोलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं। ऐसी रिएक्शन होती हैं इंट्रा मोलिक्यूलर, इंट्रा मोलिक्यूलर। इसका मतलब ये है इन रिएक्शंस में अब तक हम क्या देख रहे थे कि ब्रोमोनियम आयन बन गया या आयडोनियम आयन बन गया और न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा था और वो अटैक कर रहा था। इस बार क्या है, आपके सिस्टम के पास ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है। हमने कई बार इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पढ़ी ना, अंदर से अंदर अटैक हो जाता है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, इनमें क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। लेप्टोन का मतलब मैं आपको बता देता हूं बेटा पहले ही, कि लेप्टोन बेसिकली साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं, लेप्टोन बोलते हैं साइक्लिक एस्टर को। तो साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है, नाम से ही पता चल जाए काफी चीजें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन आपको नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट की, कितने रिएजेंट्स आप देख चुके हैं, उनको कितने अच्छे से जानते हैं। इट इज बिना थियरी के भी कोई कहानी नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। ये नहीं सिर्फ रिएक्शन देख लिया, एरो पे क्या लिखा है मैंने आपको बताया। एनबीएस हम जब पढ़ते हैं, एचबीआर कोई बताता नहीं है कि एचबीआर भी होता है, बट वो रिएक्शन इनिशियलाइज करने के लिए जरूरत होती है। लेप्टोन किसको बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको, साइक्लिक एस्टर होता है। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो मैं आपको बता दूं इनमें जनरली जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जानते हैं, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये जाके साइक्लाइजेशन करेगा। समझ में आई बात आपको, दो बातें समझ आ गई कि आइडो इलेक्ट्रोनाइजेशन और ब्रोमो इलेक्ट्रोनाइजेशन में एक साइक्लिक एस्टर बनने वाला है और इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो आप समझ गए, ब्रोमो वर्ड को जोड़िए, ब्रोमो आयडो, यानी ये पहले जाएंगी और एल्कीन से जाके जुड़ जाएंगी। जो मैंने रूल बताया पार्ट वो हर जगह लगेगा, ठीक है। वो एल्कीन की एडिशन पे है, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, जहां जहां एंटी एडिशन हो रही है वो रूल को फॉलो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक बात और लिख लेनी है आप लोगों को, क्या मिसिंग रहता है इन द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, ये जो छोटे छोटे पार्ट में लिखवा रहा हूं ये हम लिखते नहीं है, हम सिर्फ लिखते हैं दिस रिएक्शन, इसने इसको अटैक कर दिया ये बन गया, तो हमें रटने जैसी फीलिंग ज्यादा आती है। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस, लिख लेना इट इज अ साइक्लिक, इट इज अ साइक्लाइजेशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ किसकी है। तो आप जरा ध्यान से सोचो, ये जो ब्रोमो और आयडो हैं, ये उस मॉलिक्यूल में एल्कीन होगी कहीं ना कहीं, उस एल्कीन पे जाके ब्रोमोनियम या आयडोनियम आयन बना देंगे। जैसे ही ब्रोमोनियम आयन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल अंदर ही होगा और वो कार्बोक्सिलेट होगा, तो आप बताइए, यानी कंपाउंड में पाई बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी है। दैट इज वाई आप देखेंगे ये किन की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है अनसेचुरेटेड एसिड्स की, अनसेचुरेटेड एसिड। अनसेचुरेटेड एसिड का मतलब आप जानते हैं कि भाई एसिड जो है उनमें कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन होना चाहिए, अनसेचुरेशन मतलब होता है पाई बॉन्डिंग वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जिसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अब चलिए एक एग्जांपल के साथ बातें जो है वो ज्यादा क्लियर तभी होगी जब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कंपाउंड है इस तरीके से, ओ ओ एच, ध्यान से समझना बेटा। अब इसमें आपको क्या गिवन होंगे, आपको हमेशा किसी भी रिएक्शन का मैं नाम लिख रहा हूं तो आपको क्या करना है, रिएजेंट पे जरा ना नजर गाड़ लेनी है। पेपर में ऐसे रिएजेंट कभी भी दिखे दिखे नोट दिखे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा यहां तो आयडियल इलेक्ट्रोनाइजेशन हो रहा होगा। तो रिएजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिनको आपको हाईलाइट करके चलना होता है, ठीक है। तो रिएजेंट्स कौन कौन से हैं जरा देख लो भाई, एक तो होगा मान लीजिए Br2, अगर आप ब्रोमो इलेक्ट्रोनाइजेशन करवाने की कोशिश करें तो Br2 तो आपको ऐड करना ही होगा, आप भी जानते हैं सर Br2 दिख गया तो हमें समझ में आ गया Br2 का काम क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां तो एसिड है, इसके लोन पेयर भी अटैक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो न्यूक्लियोफाइल थोड़े से कम होंगे, तो इसलिए हमें एक बेस दिया होता है। बेस कौन सा है,
NaHCO3 जनरली यही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। यहां तो Br2 की जगह मोस्टली I2 होगा और NaHCO3 एक बेस है। इस बेस का काम आप समझिए क्या होगा, जो एसिड है वो क्या करेगा, ये यहां से Na प्लस HCO3 नेगेटिव आएगा, HCO3 नेगेटिव इस H प्लस को ले लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ब्रोमीन आयन हमेशा एल्कीन पे अटैक कर लेंगे। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा आप सभी लोग जानते हैं, यहां पे कर दीजिए ब्रोमोनियम आयन, राइट, दिस इज ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, और आपने ऐड कर दिया है ब्रोमोनियम आयन को इस जगह पर। समझ में आया, बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बस ऐसा होता है कि अगर हम सारी स्टोरी जान रहे होते हैं ना कि किस टाइप की रिएक्शंस हैं, रिएजेंट्स को देख रहे होते हैं, तो पेपर में गैस करना आसान होता है। अगर मैं सारी थियरी जो ऊपर लिखवाई है इसके बारे में कुछ ना बताऊं और मैं आपको बोलूं देखो इसमें अगर आप ये ऐड करेंगे तो यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, तो क्या होगा, आप लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पेपर में आप ऐसे ही सोचते हैं, अब अटैक होगा किसका, COO नेगेटिव का, और COO नेगेटिव का अटैक किस साइड होगा मुझे ये बताइए। तो आप भी जानते हैं अगर ये इस तरफ अटैक करेगा, क्योंकि इधर से जब पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है वो क्या होगा, जनरली ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है विल अटैक एट दिस पोजीशन। कितनी मेंबर रिंग बनी देखो, इफ दिस इज पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 क्या है, ऑक्सीजन है, ध्यान से समझते रहना। तो आपने 6 मेंबर रिंग बना ली, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे ऑक्सीजन है। अगर 6 पे आपने ऑक्सीजन बनाया है, 6 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो, दिस 6, 6 किससे जाके जुड़ा, 2 से, 3, 4, नॉट 3, 4, यस, मैंने क्या गड़बड़ की है, 6 इज द ऑक्सीजन, ओके, 5 इधर है, 5, 4, 5 मेंबर रिंग बननी है बेटा, समझ गए आप क्या गड़बड़ हो रही है हमसे, बहुत ही आसान था गड़बड़ को पहचानना। इट इज नॉट अ 6 मेंबर रिंग, इट शुड बी अ 5 मेंबर रिंग, लाइक दिस, राइट, यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 ही बनेगी। इफ दिस इज योर 6 और 5 पे क्या है, 5 पे है डबल बॉन्ड ओ, राइट, और दिस इज 5, 4, 3, 2, 2 से जुड़ा हुआ है एक CH3 यानी कि ये वाला ग्रुप, और उस पे आ जाएगा Br। देखो जब से इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया तो Br1 पे आ गया, तो Br आ गया 1 पर, तो एक 5 मेंबर रिंग बनेगी इस तरीके से। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। आप लोगों को समझ में आया क्या किया मैंने इसमें, बोलो भाई सबको समझ में आया क्या किया है। चलिए अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बेस क्या कर रहा है बता तो दिया बेटा आपको, बेस इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, अटैक करेगा जल्दी इस पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये भी क्लेडन बुक का ही है, बुक्स के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं याद रखना, आपके पास सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस वो एग्जाम में थोड़ा सा चेक करना चाहते, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और किसी भी बच्चे को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही पहचान जाना क्या हो रहा है वहां पर। गिवन क्या है बेटा, I2 और NaHCO3 फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए सभी लोग, बोलो बेटा Cl नेगेटिव कहां से आ गए, यहां कहां है Cl नेगेटिव, बेटा एक बात बताऊं पार्थ, अभी तुम केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बेसिक बेसिक बातें सीख रहे हो, ठीक है, जो अब तक मैंने सिखाया उसके बेसिस पे तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी बातें,
आर्बोकोटाइन कब बनता है, रिंग एक्सपेंशन कब होती है, समझ में आने लगी धीरे धीरे कि नहीं? तो ये भी तो टाइम के साथ आएगा, जब मैं आगे और चैप्टर पढ़ाऊंगा सारे पॉइंट तभी समझ में आएंगे ना। तुम तो ये बताओ कि यहां तक बात ना समझ में आ रही तो मैं उस पर वर्क भी करूं। तो आप लोग जानते हैं भाई, फाइनल प्रोडक्ट जो गिवन था, मैं एक बार बना के दिखा रहा हूँ और आपको सिर्फ चेक करना है कि आपने यही बनाया क्या। एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इसके पास इधर आई है और दो इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आया सभी को? सबने यही बनाया है? बनाया तो यस बता दीजिए भाई, यही बनाया सबने? मैं कोई बना के नहीं दिखा रहा। यहां आइडोनियम आयन बनेगा, ये बेस इस एचप्लस को ले लेगा, साइक्लाइजेशन लेगा, 5 मेंबर रिंग आ जाएगा। तो इनको पहचानना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आइडियलाइजेशन वगैरह आप पेपर में बहुत इजीली पहचान लेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सब चीजों, जैसे कि बात थी। वैसे देखो क्या होता है कि तुम पूछ तो लेते हो कि सर अगर हमने इसमें एक चीज और ऐड कर दी तो फिर वो कहाँ अटैक करेगा, वहां तो बहुत सारे रिएजेंट होंगे, वहां तो ये होगा। तो फिर जब तुम पूछते हो, जब तुम मेरे पूछने के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में कुछ भी पूछते हो ना, तो तुम अपना सीक्वेंस बिगाड़ते हो, ये बात ध्यान रखना। लेट्स से मैं आपसे कहूँ, यहाँ हमने ऐड कर दिया NaOMe। लो अगर तुम पूछते हो कि सर कोई नई चीज अटैक ऐड कर दी जो CO पे अटैक करेगी कि नहीं करेगी, तो अब ध्यान से देखो क्या होता है इसमें। Na प्लस और NaOMe को ऐड करते हैं जब हम, ठीक है? तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँ एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, देखते कितने लोग इसको सही आंसर तक लेके आ सकते हैं। मैं इसको होमवर्क भी दे सकता हूँ, दिस इज OMe, OH, दिस इज OH, OMe। सोच के आना होगा, ऐसे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर दूंगा इसको यहीं पे। इस पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड ओ अगेन एन। तो क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा उंगली की बीच में, तो मैंने आपको बताया कि आगे भी ऐड हो सकती है सारी चीजें, ठीक है? ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये कैसे बनने वाला है। क्लियर है? सुनो बेटा, NaOMe जो आपने ऐड किया है, क्योंकि अभी आप आइडिया नहीं रखते हैं कि सर ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये इस पोजीशन पे जहां पे आयोडीन जुड़ा है वहां अटैक करेगा या कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कार्बन एनायन भी नहीं पढ़ाया, अभी तो कार्बोकैटायन चल रहा है, राइट? तो अगर मैं आपको बता देता हूं कि लेट सपोज ये यहां अटैक करेगा, अब ध्यान समझना, फाइनल प्रोडक्ट ये कैसे बना इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अगली बार आगे की चीजें पूछोगे तो तुम ही जिम्मेदार होगे, मुझे मत कहना। जब मैं कह रहा हूं मुझे एक सीक्वेंस से आपके कॉन्सेप्ट बनाने दो, सब चीजें पता चल जाएंगी। अगर ये अटैक करता है तो क्या होगा बेटा, आप भी जानते हैं, ये ओ नेगेटिव यहां जाएगा, राइट? फिर एक अगले स्टेप में क्या होगा, चलो मैं यहां से आगे को बता देता हूँ, ये स्टेप्स अलग कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। दिस इज ए मान लेते हैं, दिस इज बी और दिस इज सी। हम पढ़ते हैं बी से सी कैसे बना, बी टू सी जाने की कहानी। हालांकि ये सब चीजें आप अपने आप भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, विद टाइम। अभी आपको मैंने बताया ही नहीं एस्टर की रिएक्शन किससे होगी, कौन किससे कैसे रिएक्ट करता है। बट एनीवेज आपने जल्दबाजी की पूछने में, तो पूछ लो, आप देख लो यहां से, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन ओ नेगेटिव बन गया, इस पे आके जुड़ गया बेटा एक ओ एम, राइट? यहां पर अभी भी ये बचा हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला इधर आएगा और ये ऑक्सीजन इधर जाएगा। आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ रखी है, इतनी बातें तो आप बेसिक सी हमेशा से ही जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बी टू सी कैसे बना, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। रिंग ओपनिंग होने के बाद क्या बन गया, देखो यहाँ आई जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई बन गया है, राइट? और ये बन गया है ओ नेगेटिव। अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में जरा ध्यान से देखो, ये आयोडीन है तो यहाँ पे डल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इस पे अटैक करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड होगा। मैंने आपको क्या बताया, पेपर में क्या होता है कई बार वो आपको पहले ही बताते हैं बनेगा ये, आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना होता है, बिना दिए हुए आप ये सारी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि क्या आप लोग सारी बातें समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं क्लास में, ठीक है? मैंने आपको बताया, आपने इसको ऐड किया, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाए,
वापस आएंगे तो ये लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ये ओपन हो जाएगी रिंग। ओ नेगेटिव जो बना, अब वो अगला काम क्या कर रहा है बेटा, वो अगला काम कर रहा है अटैक कर रहा है इस पे, और ये बाहर क्या बन गई, इपोक्साइड। तुम यही जानना चाहते थे ना कि सर आगे 50 चीज गिवन होती है पेपर में कैसे होती है, तो जब पेपर में एग्जाम में आती है चीजें तो ये पार्ट मैंने अभी पढ़ाया, अगला वाला पार्ट अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एंड देन पेपर में क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। तो आप क्या करते हैं यहां से आने के बाद ही, सर अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो मुझे सिखाने तो दो। राइट, बिल्कुल सही। देखो एक इपोक्साइड का फॉर्मेशन अगर होता है तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। नेक्स्ट पे है डबल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिस इज CO2ME, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप देखिए जरा ध्यान से, जब आप यहां से यहां जा रहे हैं ना, यहां से यहां, तो आप ये बात तो ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि सर एक OMe यहां जुड़ा है, एक OMe यहां जुड़ा है, OMe कितने जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक अभी और अटैक करने वाला है। एग्जामिनर ये सारी चीजें बताता है, डोंट वरी, आपको अपने आप नहीं सोचना होता है। आपने कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा कि सर वन इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंट, ये सारी बातें गिवन होती है। अच्छा, अब यहां से आगे का आप मुझे बता सकते हैं, अगर OMe जो है अटैक करेगा इपोक्साइड पर, ठीक है, अरे आप इसको यहां अटैक कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाएंगे वापस आएंगे OMe बाहर, तो ये वाली रिएक्शन तो चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब ये OMe अटैक करेगा तो किस साइड करेगा, तो वन पे अटैक करेगा कि टू पे करेगा, इपोक्साइड्स की रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था, बोलो। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, डोंट वरी आदित्य, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा देख, क्योंकि इन्होंने पूछा तो मैंने डिस्कस कर दिया, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर दो। NaOMe एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस तरफ अटैक करेगा, बोलो। रिंग ओपनिंग मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, ये तो बताया था, ये तो नहीं, इससे तो नहीं मुकर सकते, बोलो बेटा किस साइड अटैक करेगा। मैंने आपको बताई थी इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग दो तरीके से होती है, एसिडिक मीडियम पे भी, और अगर एसिडिक मीडियम नहीं हो तो, एसिडिक मीडियम तो नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है, राइट, लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, तो ये इस तरीके से ओ नेगेटिव बन जाएगा। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसको अटैक करा दो इस पोजिशन पे और इस रिंग को खोल दो, तो आप फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, ये जो बना हुआ था दिस, वो ओ नेगेटिव आ गया और एक पे जुड़ गया OMe, राइट, बाकी सब एज इट इज है। Like this. COOME को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट बनने में कोई बड़ी बात नहीं, बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई, इसको जरा ना एक साथ देखो सभी लोग, इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस क्वेश्चन को, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करा सकता हूँ, तो बट पता है क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी, जो एक्चुअल में आपको हुई कि सर हमें नहीं पता ये कहाँ अटैक करेगा, हम कहाँ करवाएंगे, हम तो डायरेक्ट यहाँ करके इसको आई को बाहर निकाल देते, तो ये सब बातें पता है आपको नहीं, क्योंकि ना आपको ये पता है न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रोंगर कौन सा है, वीक कौन सा है, कहाँ पे अटैक होना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं। और अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा भी दूँ, PYQs करवा के सारी चीज आंसर बना भी दूँ, तो वो सब पॉइंटलेस है। दैट इज वाई आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी सुधर नहीं रही है। आपको ये भी नहीं पता कि किस साइड से अटैक होगा, मोर हिंडर यू करें जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, बताओ, ठीक है। तो आप लोगों को, पर मैंने क्या कहा, मैंने आपसे सिर्फ वही बातें पूछी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब आप सारी केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनिक की, तो ये सारे प्रोडक्ट आप अपने आप बनाते हुए चलेंगे और अपने आप यहां पर पहुंच जाएंगे। बात क्लियर है सभी को, चुपचाप पढ़ना है, समझ में आ रही है बात, वरना जितनी खूबसूरत तुम्हें अभी ये लग रही है केमिस्ट्री, उतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। तो इस एग्जाम्पल को सभी बच्चों को केवल यहीं तक समझना है, आपको अभी मैंने यहीं तक पढ़ाया है तो अपनी कॉपी में मार्क कर लो, बस सर हमें यही समझना था, आइडियल इलेक्ट्रोनाइजेशन के बारे में समझना था, इसके अलावा हमें कुछ समझना ही नहीं था। क्लियर है सभी को, बोलिए बेटा, बस क्योंकि इपोक्साइड का मैं आपको आइडिया पहले भी दे चुका हूं बेटा, तो इपोक्साइड के बारे में बस आपको मैं एक दो बात और बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन भी है। कभी कभी आपको अगर इपोक्साइड ऐसे दिख जाए,
और ये यहां पर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, मतलब तो इलेक्ट्रॉन लेके भागने में बहुत एक्सपर्ट हो, वो हेलोजन हो सकते हैं, बी आर आई एक्सेट्रा, या फिर ओटीएस ग्रुप हो सकता है एक्सेट्रा, लिविंग ग्रुप है, इनके बारे में मैं आऊंगा, ओटीएस क्या होता है, ओमएस क्या, ओएमएस क्या होता है, सारी चीजें आऊंगा। तो आप कई बार ये चीज देखेंगे कि इपोक्साइड में क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, आप भी जानते हैं, मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे सकते हैं, चलो बताओ न्यूक्लियोफाइल किस साइड अटैक करेगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, वन और टू। अब वो न्यूक्लियोफाइल ओएमई भी हो सकता है, अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल दिया तो क्या होगा, वन पे और टू पे, इन जो सिखाया है वो सही आंसर करना स्टार्ट करो, जो नहीं सिखाया उसकी टेंशन लेना स्टार्ट करना नहीं है अभी आपको। बोलो बेटा, वन और टू कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, एसिडिक कंडीशन नहीं दी है मैंने आपको बताया था, देखो अगर एसिडिक कंडीशन गिवन होती है तो साफ साफ पता चल जाता, तो एसिडिक कंडीशन जब नहीं गिवन है तो आप तब जानते हैं कि सर एसिडिक कंडीशन मेंशन नहीं है, तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो तो यही हरकत करेगा, अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड से, इसको ओपन करे, ये बातें ध्यान से सीखो। दिस इज ओ, नहीं, वैसे बनाते जैसे वो है, लीविंग ग्रुप इस पे आ जाएगा ओ नेगेटिव, यहां पे आके जुड़ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, इतनी बात समझ में आई आपको। मान लीजिए इस कार्बन को मैं एस्ट्रिक मार्क कर रहा हूं, तो ये भी इपोक्साइड की काफी अच्छी रिएक्शन होती है, जैसे कि अभी आपने ऊपर वाले केस में देखा कि अगर ओ नेगेटिव ये बना हुआ है और साइड में यहां आपको लीविंग ग्रुप दिखे, तो ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, लिविंग ग्रुप होता है तो ये दोबारा से अटैक कर देता है, और दोबारा से अटैक करने पे क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा हुआ है जो भी बाहर से अटैक करने आया होगा, ठीक है, उसके बाद ये ओ इससे जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप भाग जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर इस कार्बन को मैं एस्ट्रिक मान के चल रहा हूं, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, समझ में आई बात, तो ये काफी अच्छी रिएक्शन होती है, इपोक्साइड की रिएक्शंस हैं, डिटेल अभी पढ़नी बाकी है, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहां पर एक्चुअली थोड़ा सा इसका इस्तेमाल हुआ, आपने देखा ना इसने अटैक किया, ओ नेगेटिव के जस्ट साइड में एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, तो इसने अटैक करके क्या बना दिया इपोक्साइड, ये वाली स्टोरी तो आप जानते ही, अगर एसिडिक मीडियम देता एच प्लस एच टू ओ तो आप जानते हैं इधर से ओपन होती रिंग, यस ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया इनका होना चाहिए, बस आपको क्लासेस ध्यान से सुननी है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपसे नॉर्मली पूछ लेता हूँ कि देखते हैं आप लोग कितने लोग इस बात को समझ पाए, दिस इज गिवन बी आर, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें हमने ऐड कर दिया ओ एम ई, एन ए प्लस ओ एम ई, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए बताइए बनाइए, जैसे सिखाया वैसे ही बनाइए, पहले एक बार प्रैक्टिस, देन वी विल इंक्रीज द लेवल। देखो ये मत सोचो कि इपोक्साइड पढ़ाओ तो सर सारी इपोक्साइड के बारे में सब बता दो, क्योंकि इपोक्साइड का एग्जामिनर है वो, इपोक्साइड से आगे किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, किसी भी चैप्टर के अंदर ले जा सकता है आप लोगों को, समझ रही बात, बना दिया सभी ने, रिंग ओपनिंग पे ध्यान दो, एसिडिक मीडियम नहीं है, लेस हिंडर्ड साइड अटैक, देन इस पे नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में अटैक, ये बाहर, कुछ टाइम बाद ऐसी मस्त आप लोगों की केमिस्ट्री हो जाएगी और आप ये सारे अटैक करते हुए मुझे नजर आएंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन रहा होगा, ओ दिस एंड OME, समझ में आया, यही पेपर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता, बस याद रखना आपको एक बात समझनी है कि ये सब चीजें हमने देखी होगी ना पूरे साल, तो डेवलप होंगे कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर आपको लगता है सिर्फ इपॉक्साइड पढ़ लेते हैं कुछ नहीं होने वाला है, इंटरमिक्सिंग ऑर्गेनिक में इंटरमिक्सिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को,
इसी के ऊपर है, वी हैव एन एपॉक्साइड हियर लाइक दिस, और इस पे जुड़ा हुआ है इधर बीआर, और मैं आपसे सेम चीज पूछ रहा हूं, बताओ बेटा अगर हमने एनए प्लस ओएमए को ऐड किया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? चलो सोचो जल्दी, व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट? तो ये इंटरनल अटैक पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इपॉक्साइड में पढ़ा चुका हूं, अब बात थोड़ी सी हम अलग डायरेक्शन में आ ही गए हैं तो उनको पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है सभी को? तो आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन और आयोडो ब्रोमो, सॉरी नॉट आयोडो, ब्रोमो इलेक्ट्रोनाइजेशन में आप समझ गए, सिस्टम के अंदर ही एल्कीन होती है और एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर लेता है, जहां भी आगे यूज होगा हम समझ जाएंगे। रिएजेंट पे ध्यान देना, I2NHCO3 या Bi2NHCO3, यही रिएजेंट यूज होंगे। कितनी मेंबर रिंग बन रही है, कितना तो बता सकते हो, कितना मेंबर रिंग बनेगी बोलो बेटा? चेक करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। ये बन रहा है? नहीं, वेट वेट वेट, मैंने क्या दे दिया, ये नहीं बनेगा, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, ये नहीं बनेगा भाई, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रोनाइजेशन है। वेट, फाइव मेंबर रिंग OME, बस 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 ये बनेगा, वो अलग क्वेश्चन था, ये सबने बना दिया। डोंट वरी, यहां तक बनाना था, बना दिया सभी ने, बोलो कैसे हुआ? सुनो ध्यान से, सबसे पहले स्टेप OME जाएगा लेस इंटर साइड से अटैक, इतनी बात समझ में आने लगी? अब ये इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मारेगा इज नॉट दिस, नेगेटिव चार्ज मारेगा इस पे अटैक, ये बाहर, क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सबको सबका यही बना होना चाहिए, क्लियर है? अब देखो और भी इंटरनल अटैक पॉसिबल है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपने जितने ज्यादा एग्जाम्पल देखे होंगे बुक्स के उतना आइडिया आपके अंदर जनरेट होगा, और एग्जामिनर ना बहुत आइडिया दे देता है कि होने वाला क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल अटैक जब इपॉक्साइड पे होगा ना, हमेशा जरूरी नहीं है, आज इपॉक्साइड की बात छिड़ी गई है तो कुछ बातें और बता रहा हूं। मान लो मैं आपको ऐसे बना के दे दूं और ये, और आपसे कहूं ये ले बेटा H+H2O, तो क्या बनेगा? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग कैसा सोचते होंगे, आप लोग अब तक जो आपने पढ़ा है आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल के साफ हैं, आप दुनिया की हेरा फेरी नहीं समझते। आप सोचेंगे ये देखो सर, ये तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो लॉन पेयर हैं, पहले मेरा पॉइंट समझिए कि आप क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, क्लियर है? दूसरा पार्ट, अगर आप इससे कहें कि सर ये ओपन हो जाएगा, किस साइड से ओपन होगा मुझे बताइए, किस साइड से ओपन होगा? वन और टू, वन टू, कौन सी साइड से ओपन होना चाहिए? यस, वन और टू में से आप जानते हैं, एसिडिक मीडियम में आप उस तरफ को जाइए बेटा जिधर मोर स्टेबल बनता हो। अब आप क्या करते हैं, आप इसको हटा के कहेंगे सर वाटर आएगा और अटैक कर देगा, राइट? ये सोच रहे होंगे आप लोग, तो आपका एग्जामिनर क्या पागल है क्या, इसके बिल्कुल पिछवाड़े में ये बना के दे रहा है आप लोगों को? सोचिए, वो इसको ऐसे भी बना के दे सकता था नॉर्मली, और दे भी सकता है। याद रखिएगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू इंटर, घर में कांड ज्यादा हो जाते हैं बाहर वालों के कंपैरिजन में, समझ रहे हो बात को? तो ये कहेगा भैया रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना, अटैक करेंगे हम, बाहर वालों से मदद मत मांगिए, हम हैं, जैसे लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अरे कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगा, वो तो तेरा बर्थडे है, वो नहीं आया, मैं हूं तेरे साथ, ऐसे निकम्मे लोग होते हैं, ठीक है? तो ये ओपन हो गया बेटा, इधर कोई बड़ी डील नहीं, ओपन हो गया तो क्या बड़ी बात है, इधर ये तो OH ही बन जाएगा। यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, सबको समझ में आया? ये जब इस पे जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसी पे आएगा। अब जब पिक्चर विक्चर दिखा लाया, उसके बाद बॉयफ्रेंड आया, चलो पिक्चर देखने चलें,
आओ H2 आ गया अब इंटरमोलिकुलर। लेकिन गर्लफ्रेंड किसके साथ बिजी है? गर्लफ्रेंड तो गई भाई बेस्ट फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने, लेकिन हम भी कम ना किसी से। जाती है तो जा, एक जाएगी नहीं तो दूसरी आएगी कैसे? अपने को मतलब पॉजिटिव चार्ज मिलने से जहां मिलेगा वहीं ले लेंगे, मतलब वहीं अटैक कर देंगे। रैक हियर, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज, अपने को अल्कोहल से मतलब है, वहीं जहां हम आ जाएं वहीं बना देंगे अल्कोहल, महफिल वहीं सजा देंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? क्लियर है, बन गया प्रोडक्ट, क्या बड़ी बात थी। चलिए अब आप समझ गए होंगे, एक बार और कोशिश करेंगे हम सभी लोग इस पे मिलके। एग्जामिनर को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी फीलिंग मत जाहिर कीजिए। कौन सी पिक्चर, ये भी मैं ही बताऊं? देखो दिस इज द कंपाउंड, अब समझ लेना। इसमें कम से कम भी 1 2 3 4 5 इपोक्साइड यहां है। एग्जामिनर की फीलिंग को समझो, सेम काम किया उसने, रिंग ओपनिंग करनी है। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो बेटा ले लो, देख लो ऊपर से। अरे बनाओ बेटा प्रोडक्ट, बना सकते हो? यस वेरी गुड। आप जानते हैं सबसे पहला काम वही होगा जो आज तक होता आया है, लोन पेयर व अटैकिंग, राइट? अभी आपके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आ रही सर कि तो यहां भी अटैक कर सकता है डबल बॉन्ड पे, अभी समझाऊंगा। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आ रही उतना अच्छा है, जितना कम सोचोगे उतना बढ़िया है। इससे अगले पार्ट में ही बताऊंगा कि कैसे आइडिया लगता है थोड़ा सा कि कौन कहाँ अटैक करने वाला है। पर आप लोग अच्छे हैं, प्यारे बच्चे हैं, आप लोग सोचते नहीं, तो मेरे लिए चीजें सिखानी आसान है। देखो बात ये है, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली मेरी तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सब आ जाएगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके बीच बीच में कीड़ा है तो उछलता है, ये क्यों नहीं हो, वो क्यों नहीं हो, वो। अरे मैं सब कवर कर दूंगा एंड तक, बस एक सीक्वेंस है दैट यू नीड टू फॉलो। तो आप भी जानते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बन है, और ये जो एल्कीन है तो ताक में है तो बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हुआ है मॉलिक्यूल का, इधर से अटैक कर दे, राइट? आप समझ गए कि सर जी बात कुछ ऐसी हुई, घर जैसी हुई बात। नंबरिंग कर लेना, 2-6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है? और इस बार CH2OH, यहां ऐसे जोड़ा मिलेगा एक OH। आप अच्छे समझते हैं, अगर इसने अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो वहां से खेल शुरू होगा वाटर का। वाटर कहेगा हम लेने आए हैं लेके जाएंगे, दिल तुम्हारा। देखो बेटा समझ में आ गया सभी को? अच्छा एक लास्ट है, होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मेरी 9:30 से क्लास है, तो अब नई नई चीजें सीखने का वक्त आ चुका है, अब मजा आएगा। देखो जैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हम हायर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ देख सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस सारे जितने मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ वो क्लेडन के ही, फिलहाल क्लियर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम क्लियर को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। देर आर सो मेनी बुक्स, किसी दूसरे चैप्टर के लिए मैं पर्टिकुलर किसी दूसरी बुक के पीछे जा रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं एक के पीछे नहीं रहता हूँ। मुझे जहाँ जो चीज़ पसंद आई मैं उसके पीछे जाता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। टू वॉच द ब्यूटी इज माई ड्यूटी, ठीक है बेटा? ये है इस तरीके से, अब ध्यान से सुना। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, 5 6 7, ये है आपके पास कंपाउंड वा। समझ में आई बात? हम बेटा कला जो है, कला की कदर करते हैं, ठीक है? खूबसूरती की हम कदर करते हैं दिल से,
और यही होना चाहिए, एक अच्छे दिल वाले की पहचान भी यही है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में बना के लाना भाई। पहले मैं बता दो तू, इस पर ऐड कौन करेंगे, एच प्लस और उसका बेस्ट फ्रेंड H2O। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला अटैक तो हो जाएगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किधर से, ना 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 इधर से, ना इधर से क्यों खींचता भैया, इस बार तो इधर से खींचेगा, ये अटैक कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी गर्लफ्रेंड, दूसरा बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं क्या है ये, मेरे तो समझ में ना आ रहा है, क्या चल रहा है, थ्री सम हो रहा है, 1 2 3। देखो पहली बात तो आई टेल यू, थ्री सम का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी में जब तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, इट डजंट हैव टू बी दैट जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वो एक्टिविटी कोई प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है। तो आई नीड टू क्लियर माई सेल्फ राइट। सी तो गाइज यहां से अटैक करेंगे आप लोग, तो आप समझ जाएंगे कि फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा है। तो आप लोगों को इनका जो प्रोडक्ट है वो बना के लाना है इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है गाइज। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज थ्री फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन। तुम्हें पूरे लेक्चर समझ में ना आया हो ना आया हो, पर मैं समझ गया तुम्हें कौन सी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। यस एग्जैक्टली, मैं तो सही समझा रहा हूँ भाई। इट मीन्स थ्री फंक्शनल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, थ्री सम वर्क गाइज। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, 9:30 पे ग्रुप थियरी की क्लास है, सभी लोग प्रेजेंट रहिए। बाय। अरे अभी तो देखना फोर सम फाइव सम भी होगा, आप देखिए अभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। हाँ ठीक है, चलिए करके आना, ठीक है, ओके बाय।